मॉर्निंग पीपल एंड कल का जो मैसेज वाला वीडियो था, आई मीन कल का था क्या, परसों का, कल वाला नहीं था, या एग्जैक्टली, तो दैट्स स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर एंड 270 पीपल तक ऑलरेडी पहुंच चुका है एंड और लोगों तक पहुंचाओ अबाउट फ्रॉड अबाउट द स्कैम इन सोनावड़ा एंड स्टार्टिंग आवर डे विद मॉर्निंग रूटीन एंड पानी वानी पी लिया है. सी आई गेस आई स्टार्टेड अ लिटिल बिट लेट टुडे बट टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लग रही है सुबह सुबह यार. वैसे आज नींद नहीं खुल रही थी बिकॉज कल रात सोते सोते भी लेट हो गया था. बट वी आर डेडिकेटेड एंड सुबह उठ के भाई वॉक पे तो जाना ही है. वी नीड टू कंटिन्यू आवर मॉर्निंग रूटीन्स राइट. सो अभी जा रहे हैं अपन चेंजेस करने चाहिए अपन को लाइफ में. सो विल फाइंड अ न्यू प्लेस. फिर क्या हुआ यहीं पे, फिर यार एक बंदा आता है एंड बोलता है मुझे अभी. हाँ वो बंदा कैमरा में शायद आया होगा, अगर आया है तो मैं स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा यहाँ पे. मेरे पास फिर पूछता है कि भाई एयरपोर्ट चाहिए, मतलब रोज यही रास्ते में आते जाते कोई ना कोई पूछता ही है भाई. मतलब क्या एप्पल की खेती लगा रखी है यहाँ पे हैदराबाद में कि इतने सस्ते बिक रहे एयरपोर्ट्स, एंड वो भी डेली मॉर्निंग सुबह सुबह कौन लेके भेजता है भाई. या पंजागुटा पहुंच गया फिर से अब राइट. एंड थैंक्स फॉर एवरीवन सपोर्ट. पीपल आर सपोर्टिंग द वीडियो बिकॉज रियलिटी है राइट. एंड पीपल ऑलवेज सपोर्ट रियलिटी. सो थैंक्स सपोर्ट करने के लिए एवरीवन. एंड ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट डालते रहेंगे. एंड अगर आप भी ऐसी कोई स्टोरी रिपोर्ट करना चाहते हो एंड चाहते हो कि वो लोगों के सामने आए, सो प्लीज डीएम मी. मैं श्योरली उसका एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगा. वी हैव सम एक्सपोजिंग टू डू राइट. सी यू गाइस. बनाते बनाते आ गए हम दुर्गेश भैया के पास. गुड मॉर्निंग भैया. वेरी गुड मॉर्निंग. हाय भैया. और ब्रेकफास्ट हो गया आपका? आपका नहीं, अभी तो लेके जा रहे हैं इसलिए दूध. वैसे कल थक हार के आए थे कि सो जाएंगे जल्दी. सो भी गए थे बट फिर 1:30 बजे जो नींद टूटी है, 3 बजे तक सोए ही नहीं. नींद अभी आ रही है बट मॉर्निंग रूटीन हमने मिस नहीं किया. नाइस अचीवमेंट राइट. दूध लेके आ गए. दो घंटे चले गए कैसे पता भी नहीं चला. बट मिरेकुलसली वो जो वीडियो हमने बनाया था बहुत लोग देख रहे हैं यार. देख के अच्छा लग रहा है यार कि मतलब लोगों को वो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है बिकॉज रियालिटी है एंड लोग रिलेट भी कर पा रहे हैं उससे. एंड आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डाइट के बारे में. सो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा जो कि आप पूछते हो नहीं कमेंट सेक्शन में. एंगेजमेंट बढ़ाओ भाई, कमेंट करो, तभी तो भाई हमारा इंटरेक्शन होगा, वरना कैसा होगा इंटरेक्शन बताओ. तो चलो मैं ही शेयर कर देता हूँ कि क्या डाइट प्लान मैं फॉलो कर रहा हूँ. सो बेसिकली टू थिंग्स जो मैंने हाल ही में सीखा कि अगर आपको बल्किंग करना है, अगर आप पतले हो आपको बल्किंग करना है, आपको मसल मास गेन करना है या मोटा होना है, तो भाई ये है कि जितना आप डेली खाते हो उससे थोड़ा ज्यादा खाया करो एंड वर्कआउट कंटिन्यू करो. सो दैट वे यू कैन बल्क. एंड अगर आपको कट करना है तो जितना खा के आपका पेट भर रहा है उससे थोड़ा कम खाया करो. बल्किंग के लिए थोड़ा ज्यादा एंड कट करने के लिए थोड़ा सा कम. सो आज फाइनली आफ्टर 1 वीक हम थोड़ा सा राइस खा रहे हैं. आफ्टर 1 वीक आई गेस लास्ट मंडे हमने राइस छोड़ा था एंड आज भी मंडे है तो राइस खा रहे हैं. एंड आज हमारा मील है सोयाबीन आलू एंड राइस. दिस इज आवर मील टुडे एंड आई होप अच्छा बना हो. यार खाना बहुत अच्छा बना था. जो भी बोल रहा हूँ वही सेम रेसिपी है जो ओट मील बनाया था हमने.
सोयाबीन वाला, वही सेम रेसिपी, बट इसमें कर्ड नहीं है, बस वही चेंजेस है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इसमें आलू भी डाले हैं हमने, एंड राइस भी है, एंड आज से राइस खाएंगे बट क्वांटिटी कम कर देंगे। जनरली हम क्या करते थे पता है, राइस जब भी खाना होता था यार दबा के खाते थे, एंड खास करके अगर मटन या चिकन बना हो उसके साथ, तो भाई साहब दो लोगों का राइस मैं अकेला खत्म कर देता था, तो उस लेवल का मैं खाता हूँ राइस। बट अभी कम कर दिए क्योंकि वर्कआउट तो जिम जा रहे थे अपन, वर्कआउट कर ही रहे थे, बट ये था कि वो इफेक्ट पता नहीं चल रहा था। एब्डोमेन वर्कआउट भी मतलब स्टार्ट नहीं किया था, बट करते थे एब्डोमेन वर्कआउट, बट फिर भी क्या था ना, वो फैट का एक लेयर जम जाता है ना, तो एब्डोमेन दिखना बंद हो जाता है, तो वही दिक्कत थी। एंड अभी क्या है, चलो राइस वगैरह खाना छोड़ दिए एक हफ्ता, तो फॉर्म में आ गया, एंड अभी राइस कम करेंगे ताकि वो कट्स आगे भी दिखता रहे। एंड हम खत्म कर लेते हैं अभी लंच, एंड बात करते हैं आपसे इवनिंग में। वैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक खत्म हो गया हमारा, बुक रीडिंग इज कंप्लीटेड, एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे द न्यू बुक, दैट्स रिच डैड पुअर डैड, उल्टा दिखाया जाएगा राइट, बट वी आर स्टार्टिंग दिस अमेजिंग बुक। एंड ये बुक जब आधा कंप्लीट हो जाए, देन विल बी ऑर्डरिंग टू न्यू बुक्स, ताकि 75 हार्ट तक हमारी रीडिंग बंद ना हो, एंड विल ट्राई कि जितना बुक हम पढ़ सकते उतना पढ़े। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, करो हम कहाँ चले अभी, जिम चले भाई जिम। यार आज पूरा जिम लाल है, लाल है पूरा जिम लाल है। अरे यार ये दरवाजा हमेशा बंद क्यों है, आज का रूटीन था चेस्ट, आज भाइयों ने चेस्ट मारी है सीना तान के, चेस्ट मारे हैं लेकिन दिखा रहे हैं बाइसेप, बाइसेप तो नहीं मारे भाई, रिस्ट, रिस्ट अभी दिख रहा है ना, कट्स वट्स आ रहे भाई। एंड खाने में चावल तो है थोड़ा सा, यार वेट तो बढ़ गया मेरा 2 किलो भाई, 2 किलो बढ़ गया। सो सी यू गाइस, अभी वेट लॉस फिर से चालू करेंगे। ये शॉट इसलिए लिया जा रहा है कि हमारा शॉट हो गया जिम से आते आते, दूध और केला भी लिया है, डन एंड डस्टेड विद टुडेस वर्कआउट। सो हियर इट इज आवर पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, इसमें है थोड़े से ओरियो बिस्किट्स, दो बनाना एंड दूध ऑफ कोर्स, एंड टेस्ट सो गुड, यू शुड ट्राई दिस। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले वैसे रिच डैड पुअर डैड, सो आई विल गिव यू द समरी। सो आज पढ़ने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन, सो कल से स्टार्ट होगा चैप्टर 1, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो वेलकम बैक गाइस, एंड आज हमने नया चैप्टर शुरू किया, नया चैप्टर क्या, नया बुक है यार, इट्स रिच डैड पुअर डैड। सो बेसिकली आज उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, एंड इंट्रोडक्शन वाज समवट लाइक, वहां पे दो टाइप के लोगों की मेंटालिटी दिखाई गई है कि कैसे पैसों के बारे में सोचते हैं। बेसिकली वन इज पुअर डैड, तो यहाँ पे मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, पुअर लोगों को डिनोट किया गया, एंड बेसिकली उनकी थिंकिंग कैसी होती है वो चीज को डिनोट किया गया है। एंड द अदर इज रिच डैड, सो वहां पे जो अमीरों की मेंटेलिटी होती है उस मेंटेलिटी को डिनोट किया गया। सो बेसिकली मिडिल क्लास एंड हमारे जैसे लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, वी वर्क हार्ड, हम पढ़ते हैं पहले, देन वी क्रिएट अवर रेज्यूमेस, देन हमको जॉब चाहिए,
एंड जॉब करने के बाद हम पैसे कमाते रहते हैं कमाते रहते हैं कमाते रहते हैं, वी डोंट टेक एनी रिस्क्स, राइट? कि 9 to 5 जॉब हो एंड दैट्स डन, नौकरी करो भाई, पैसे आते रहे महीने के महीने, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, नॉर्मली मिडिल क्लास पीपल वांट, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड बताया गया है कि रिच मेंटालिटी कैसी होती है. सो बेसिकली रिच पीपल्स मेंटालिटी इज लाइक, वो तरीके देखते हैं कि कैसे भाई पैसे कमाए. मतलब पुअर डैड, तो हम बातें करेंगे रिच डैड एंड पुअर डैड की भाषा में. सो द थिंकिंग ऑफ अ पुअर डैड इज बेसिकली टू गेट अ जॉब एंड अर्न फॉर द फैमिली, बट द थिंकिंग ऑफ अ रिच डैड इज टू क्रिएट जॉब्स. सो बेसिकली क्रिएट जॉब करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कंपनी खोलनी पड़ेगी. एंड बेसिकली पैसा कमाना हमको कोई नहीं सिखाता, राइट? कोई स्कूल नहीं सिखाता. आपको पता होगा राइट, मारवाड़ी फैमिलीज, गुजराती फैमिलीज, जो बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज होते हैं, तो सारे लोग जानते हैं कि यार वो बिजनेस करना जानते हैं, दैट्स इन देयर ब्लड, ऐसा कहा जाता है. बट नहीं, पैसा कमाना वो लोग सीखते हैं घर से, क्योंकि वो तुमको कोई कॉलेज कोई स्कूल नहीं सिखाता कि कैसे पैसे बनाए जाए. बेसिकली या दे टीच यू हाउ टू गेट अ जॉब एंड हाउ टू बी गुड इन स्किल्स, बट वो आपको पैसे कैसे कमाना है वो नहीं सिखाते. सो बेसिकली वो फैमिली से सीखी जाती है. एंड बात रही पुअर डैड की, राइट? पुअर डैड मतलब मिडिल क्लास. मिडिल क्लास पीपल्स थिंकिंग इज लाइक हमको बस जिंदगी कैसे तैसे करके काटनी है, हमको रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज यू नो द अमाउंट ऑफ मनी वी अर्न बिकॉज वी आर मिडिल क्लास, राइट? सो रिस्क लेंगे तो रिग्रेट रह जाएगा अगर वो रिस्क लेके हम हारते हैं कुछ. बट रिच लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, वो लोग रिस्क लेते, दे गो दैट एक्स्ट्रा माइल्स, एंड वो हारते भी बड़ा है एंड जब जीतते हैं तब भी बड़ा जीतते हैं. दैट्स वाई बोला जाता है ना, द रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअर, दैट्स द रीजन. एंड इस बुक में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं. बेसिकली अगर हम मेंटालिटी समझ जाए कि रिच लोगों की थिंकिंग कैसी होती है, हाउ डज दैट थिंकिंग वर्क, देन वी कैन मेक सम चेंजेस इन अस, राइट? वो थिंकिंग हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं. सो साइकोलॉजी ऑफ मनी में हमने सीखा कि पैसे कैसे बचाए एंड कैसे यूज करें, एंड यहाँ पे हम सीखेंगे कि क्या मेंटालिटी होनी चाहिए कि हम पैसे कमा पाए. सो ये बुक फाइनेंशियल टॉपिक पे मतलब 20 इयर्स सेलिब्रेट कर चुका है, मतलब ये बुक काफी पुरानी है, बट इस बुक का नॉलेज आज के दिन में भी बहुत काम आने वाला है. सो दैट वॉज द समरी ऑफ दिस बुक, जो कि एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन था अबाउट दिस बुक. एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड एंड हर एक वीडियो देखना ताकि आप एक एक चैप्टर से वाकिफ हो जाए, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू द समरीज ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड आई गेस दैट विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज आई थिंक दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प मी अलॉट. एंड लेट्स सी व्हाट न्यू वी कैन लर्न. एंड कल से एक टास्क करें, हम गूगल पे सर्च करते हैं वेस्ट वर्न मनी. ये बुक के साथ साथ बुक में हमको पता चले कि मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए, एंड वी कैन फाइंड डिफरेंट वेज टू अर्न मनी, राइट? वी कैन ट्राई दिस. सो द ओनली वे हमने पैसे कमाए थे पहले तेज था, जो कि फिर बना गूगल पे, तो उसमें पैसे भेज के 200-300 जो कैशबैक आता था वो एक तरीका था, या फिर रेफरल वाले पैसे वैसे कमाए हैं. बट देर आर डिफरेंट वेज, देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज पीपल अर्न मनी ऑनलाइन. चलो लेट्स अपग्रेड आवर स्किल्स टू अर्न मनी, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा उस चीज, विल लर्न समथिंग न्यू. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. डन एंड डस्टेड विद टुडेस रूटीन. आज का डिनर भी हो गया, डिनर में वही था, वही अपना राइस एंड सोयाबीन आलू की सब्जी, एंड उसके साथ हो गया अपना पानी वाला टारगेट भी कम्प्लीट, दोनों पार्ट हो गए. बुक रीडिंग डन एंड डस्टेड, एंड जो भी है सारा रूटीन अपन फॉलो कर रहे हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन वाली सेल्फी आज की देख ली होगी आप लोगों ने. एंड ये जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग बुक, एंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड रिच डैड पुअर डैड, ये अगर आप पढ़ना चाहो तो गो फॉर इट,
गो अहेड, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा इसमें से। एंड सो इसी के साथ आज का सारा टास्क कंप्लीट हो गया है, एंड सी यू गाइस एंड टेक केयर।